बोले हम पूछने के, हम बोले ई वाला तुम कहां लिखा है कि चैलेंज किए हम, इसलिए ई सब आप लोग चैनल चलाइए, आप भी कुछ पैसा कमाइए ना, हम लोग को भी जिंदा रहने दीजिए, इस चैलेंज चैलेंज मत कीजिएगा, वरना उन लोगों से पूछिए जो लोग टांग टांग के बड़ा है कि आप कफन बांध के निकलना ही पड़ेगा, सब निकल गया है। अब हो सकता है कुछ लोग उधर से जाके फोन भी करें, ये भी हो सकता है, आजकल हो रहा है, जैसे मैं आप बोलिए कुछ आप फोन करके बताया कुछ जा रहा है, बहरहाल इसका कोई टेंशन नहीं है, तकरीर करने के लिए नहीं, जो शायर बच गए उनका ऐलान करने के लिए मैं आया हूं। बड़े अच्छे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हंस लो बेटा, जब डिटेंशन कैंप में जाओगे ना वहां हम लोग को बुलाओगे तो भी हम लोग नहीं जाएंगे, अभी हम लोग बुला रहे आ जाओ आ जाओ आ जाओ तो नहीं आ रहे है ना। बड़े अच्छे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बीच में कुछ गिरा हुआ है क्या? थोड़ा सा आ गया जो भैया, आ गया जी, थोड़ा सा डेढ़ ग्राम करके खिसक जी ना, थोड़ा सा आगे आ जाए, बड़े अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, आगे आ जाए थोड़ा सा, है बाबू आ जाओ, कोई दिक्कत है बाबू आ जाओ, अभी हिल डुल्लो बहुत जल्दी एनआरसी आने वाला है, आ जाओ भाई थोड़ा सा आ जाओ, इतना अच्छा लड़का है माशाल्लाह, आ जाओ बहुत अच्छा माशाल्लाह, आ जाओ भाई आप लोग भी आ जाइए तो बड़ी मेहरबानी होती, अब तकरीर वगैरह करने का शौक भी नहीं है मुझको, जब से सीए आया तब से हम अपना दिमाग खुद एक डिटेंशन कैंप हो गया है, आ जाओ बेटा तुम लोग आ जाओ, हम लोग का टाइम तो गुजर जाएगा, तुम ही लोग जाओगे बेटा, हाँ एनआरसी आते आते सब होते होते 10-15 साल लगेगा, उस वक्त हम लोग भी हो जाएंगे इन्ना लीला है, ठीक है, जो लोग बचेगा उन लोग को ना समझाना है माशाल्लाह, पीछे जो बैठे उनसे भी गुजारिश है कि आप सिर्फ आगे आ जाइए, आप ये नहीं समझिएगा मैं बहुत जबरदस्ती कर रहा हूँ, वैसी कोई बात नहीं है, है ना, आ जाइए भाई साहब मेरे तो पांव पसारे में आ जाइए, कसम खुदा की टेंशन के में इतना जगह नहीं है इतनी कि आप पांव पसार सके, जितना पसारना पसारी करना है जलसे में कीजिए आप लोग, है ना, आ जाइए आ जाइए थोड़ा सा, मैंने कहा सिर्फ मैं ऐलान करने के लिए आया हूँ माशाल्लाह, आप लोग भी कुर्सी लेके थोड़ा सामने आ जाइए ना, आ जाइए, बड़े अच्छे लोग हैं भाई, इतने अच्छे लोग हैं कि वाकई देखिए जो अकलमंद थे एक मर्तबा में आ गए, पीछे वाले भी अकलमंद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो लोग भी आ जाएंगे, जो बेवकूफ किस्म का होगा वही नहीं आएगा, सब लोग अकलमंद है माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कैसे वाकई, एक बात तो मैं कहता हूं कि मेहमान नवाजी अगर किसी को देखनी हो तो वो गिरिडीह जिला में देखे, पूरे भारत में ऐलान करते हैं कि वाकई गिरिडीह में मेहमान नवाजी है, चैनल वाले आए हुए हैं खुदा के वास्ते, जब से मौलाना शहरयार फंसे हैं ना तब से हम ऐलान कर देते हैं कि चैनल तैनल मत करो, है ना, एक मस्तान साउंड है सासाराम का, मैं जलसे में गया था, मैं देखा नहीं मुझको दिखाया उसने, हेडिंग बनाया है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी को आसिफ इकबाल ने किया चैलेंज, लो हमको एक मौलाना देखा है, हम देखे हम उसका नंबर दिए मस्तान सोन का, हम बोले तुम क्या चाहते हो सो बताओ, क्या हुआ था? हम बोले क्या चाहते हो कि हम जेल चल जाए, हमारे बच्चे यतीम हो जाए, बीवी मेरी बेवा हो जाए, क्या चाहते हो, बोले हम कुछ नहीं किया, हम बोले ई वाला तुम कहां लिखा है कि चैलेंज किए हम, इसलिए ई सब आप लोग चैनल चलाइए, आप भी कुछ पैसा कमाइए ना, हम लोग को भी जिंदा रहने दीजिए, इस चैलेंज चैलेंज मत कीजिएगा, वरना उन लोगों से पूछिए जो लोग टांग टांग के बड़ा है कि आप कफन बांध के निकलना ही पड़ेगा, सब निकल गया है, अब करना क्या है, आप
करना क्या पसंदीदा होकर के 5-10 मिनट आप मेरी गुफ्तगू समाप्त करें। अब पूरे भारत में नफरत की बोली नहीं बोली जाए बल्कि मोहब्बत की बोली बोली जाए पूरे भारत में। इसलिए कि हमारा दीन, हमारा मजहब हमें नफरत की तालीम नहीं देता है बल्कि हमें मोहब्बत की तालीम देता है। ये हमारा मजहब है, ये हमारा दीन है, ये हमारा इस्लाम है। लड़ाई झगड़ा मत करें आप। ए बेटा मैं मुझको सुन लो, हम भी कीमती आदमी हैं, हैदराबाद वगैरह नहीं जाते तो क्या हुआ, रियलिटी में रहते हैं, कम थोड़ी है। और मैं कहता हूं कि मेरी नजर में वो आदमी बहुत बावकार है जिसको घर में इज्जत मिल जाए, जिसको घर में इज्जत मिले वो कामयाब है। क्योंकि घर वाले ही बता सकते हैं कि आप कितना शरीफ है या लग भन कर रहे हैं, बाहर वाला नहीं बता सकता। ये फितरी चीज, एक बात याद रखिएगा, अगर कोई शायर है जैसे फिरोज अंबर साहब और दीगर शोराय कराम सब बहुत अच्छा पढ़ते हैं, तो ये फितरी चीज है, शायर का झुकाव शायर ही की जानी है। कहीं मिल जाएगा बैठेगा अपने शेर और शायरी की बात करेगा, ये फितरी चीज है। कोई डॉक्टर है, अगर किसी डॉक्टर से मुलाकात हो जाए तो उसका दिल उसी जानी मायल होगा कि डॉक्टर साहब से पूछ ले कि खांसी में कौन सी दवा काम आएगी, है ना। इसमें कोई फितरी चीज है। कोई मुफ्ती है तो मुफ्ती से मुलाकात हो जाए तो किसी मसले पे तबादले ख्याल करेगा। कोई मुदर्रिस है, मुदर्रिस से मुलाकात हो जाए तो किताबों के बारे बात करेगा। अब और आगे बढ़िए, अगर कोई जुआड़ी है उसका दिल ज्यादा जुआड़िए के पास लगेगा कि हरा पत्ता सेट करेगा कि लाल पत्ता सेट करेगा। इंसान की फितरत है, कोई शराबी है उसकी कोशिश होती है कि कोई हमारी बिरादरी का मिल जाए तो एकाध दो पेक हम भी चढ़ा ले, ये फितरी है, फितरी चीज है। कोई अय्याश किस्म का आदमी है तो वो अपना दोस्त अय्याश ही तलाश करेगा, फितरी चीज है, ताकि दोनों का जुगाड़ बैठा रहे, फितरी चीज है। तो मैं ये कह रहा था कि क्योंकि आजकल होता है कि कुछ शायर होते हैं और कुछ शायर के चम्मच लोग होते हैं। मेरे साथ हो रहा भाई, मैं तकलीफ कुछ करता हूं और चम्मच लोग खून करके कुछ बोलता है, जबकि हम मैक में बोलते हैं। और याद रखिएगा, अल्लाह उसके रसूल के अलावा मुझको किसी का डर नहीं है, इसलिए कि मैं जानता हूं कि रिस्क का मालिक दुनियादार नहीं है, मेरा परवरदिगार है, वो रज़ाक है। आप मेहनत कीजिए। तो मैं कह रहा था कि अब दूरी मत बनाइए, अब करीब कीजिए। आपका कोई दोस्त है, वो लड़के जो स्कूल में पढ़ते हैं, वो लड़के जो कॉलेज में पढ़ते हैं, या वो लोग जो लोग कारोबार करते हैं, हम लोगों का क्या, हम लोगों से मुलाकात किससे होगी, सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम, मगर आप लोगों की मुलाकात इधर वालों से भी होगी और इधर वालों से भी होगी। जो बात सही है कि आप लोग कारोबार करते हैं, आप लोग धंधा करते हैं, अब ये वक्त नहीं है कि आप दूरी बढ़ाएंगे। जलसे में खाली नारा लगा लिया, गौस का दामन, खाजा का दामन, आला हजरत का दामन, ये सब बंद कीजिए। आप सिर्फ नारा लगाना बंद कीजिए। अब मजहब इस्लाम को करीब से समझिए। हमारा मजहब क्या कहता है कि आपके घर पर अगर आपका दुश्मन भी आ जाए तो उसे प्यार से बैठाए। ये हमारा मजहब सिखाता है। आपके घर पर कोई आए, मुसलमान आए, हिंदू आए, सिख आए, ईसाई आए, आप उसको नफरत की निगाह से मत देखिए। वो आपके दरवाजे पर आया है
आप इतनी मोहब्बत दीजिए, इतना खुलूस दीजिए कि वो कहने पर मजबूर हो जाए कि जब मुसलमान इतना अच्छा है तो इसका मजहब कितना अच्छा होगा, इसका दीन कितना अच्छा होगा, इसका इस्लाम कितना अच्छा होगा। अब आपको ये मैसेज देना होगा, अब आपको ये पैगाम देना होगा। बहुत नारे तकबीर, नारे शहादत, गौश कदामर, ख्वाजा कदामर और अमित शाह, योगी, मोदी बहुत कर दिए, इसकी जरूरत नहीं है। हमने अगले का जिक्र कर करके उसको भाव दे दिया, पढ़ा दिया है। भाई आप अपनी बात कीजिए, ले बीजेपी, दे बीजेपी, ये सब करके आपने उसको बढ़ावा दिया है। अगर किसी को मारना हो तो उसका जिक्र आप छोड़ दीजिए, उसका आप चर्चा करना छोड़ दीजिए, वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। इस्लाम फैला कैसे? क्या आपके नारा लगा लेने से? क्या आपके हु अल्लाह हंगामा कर लेने से? अभी हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद ताकिर हुसैन साहब किबला, उनको उठा दीजिए बस दो चार पांच मिनट के लिए हमें, उसके बाद बोलिएगा सो जाने के लिए। नहीं, इनको माशाल्लाह माशाल्लाह है ना, बस पांच मिनट के लिए आप बेदार हो जाइए ना। अभी जागी, अभी जागी, अभी जागने का वक्त है। मतलब ये नहीं कि आप जब से ही नहीं जागे, जागिए कि आने वाले वक्त में हालात क्या पैदा होंगे। आपको नारा लगा लिए, हु अल्लाह हंगामा कर लिए। एक बात बताइए, आपने शाहीन बाग का नाम सुना होगा? सुना है कि नहीं भाई? ये बांग्लादेश में है, दिल्ली में है। किसी ने कहा था तालों में नैनी ताल है, अब बागों में शाहीन बाग है। ज़हन हाजिर कीजिए, मैं आपको समझा रहा हूं, मैं तकरीर करने के लिए नहीं आया हूं, वरना मैं आपको चाहूं तो पांच मिनट में आपको कहीं भी पहुंचा सकते हैं। पांच मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं। आपने देखा होगा संजीदा होकर के मेरी बात सुनी, गुफ्तगू मैं कर रहा हूं, तकरीर नहीं। आपने देखा होगा कि शाहीन बाग में लड़कियां प्रोटेस्ट कर रही है, हमारी माए बहने बेटियां बैठी हुई है, प्रोटेस्ट हो रहा है। कोई अफसर आ रहा है तो लड़कियां बात कर रही है, बीजेपी आ रहा है लड़कियां बात कर रही है, एलजी आ रहा है लड़कियां बात कर रही है, कमिश्नर आ रहा है लड़कियां बात कर रही है, कोई पत्रकार आ रहा है लड़कियां बात कर रही है। क्यों क्यों आपने कभी इस पे ध्यान दिया? कहा है क्या वो बच्चियां इसलिए हिम्मत से बात कर रही है कि देखने में बहुत खूबसूरत है? नहीं, नहीं, नहीं। क्या वो बच्चियां इसलिए बात कर रही है कि उसका बाप नेता है? ऐसा नहीं है। क्या वो बच्चियां इसलिए अफसरान से, पत्रकारों से, एमपी से, एमएलए से, एमजी से, पुलिस वालों से बात कर रही है? क्यों कहा है? इसलिए कि वो बड़े घराने से ताल्लुक रखती है? नहीं, इसलिए कि वो बच्चियां पढ़ी लिखी है। बच्चिया पढ़ी लिखी है, कानून जानती है, कानून क्या है, संविधान क्या है, दस्तूर क्या है, पढ़ी है, बात करती है, आंखों में आंखें डालकर। अब तुमको नारा लगाने से फुर्सत नहीं, इसलिए तुम भी अपने बच्चों को, बेटों को, अपनी बेटियों को इतनी तालीम दे दो, इतनी तालीम दे दो, इतना पढ़ा दो कि तुम्हारा बेटा भी इस लायक हो जाए कि वो अफसर की आंखों में आंखें डाल कर बात। तुम्हें आप तालीम पे जोर देना होगा, पढ़ाई पे जोर देना होगा। बहुत खाली है, बहुत कमाली है। कितने बच्चे हैं जो मैट्रिक पास होंगे? हमको लगता है कि 100 में 20% भी बच्चे मैट्रिक पास नहीं होंगे। ये कितना बड़ा दुनिया है। आखिर आप कब पढ़ेंगे? आखिर आप कब तालीम हासिल करेंगे? अपने छोटे छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल दे दिए, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें एहसास नहीं होता कि जिन बच्चों के हाथों में कलम होना चाहिए
आज तुमने उन बच्चों के हाथों में मोबाइल, जिन बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, आज उन बच्चों के हाथों में तुमने मोबाइल दबा दिया। जिन बच्चों को पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, आज वो बच्चे व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं। वो फेसबुक भी है और वो फेसबुक भी है। फेसबुक इसलिए कि उसमें सारी खबरें सही नहीं होती, फेंका फेंकी भी है। आप बच्चों को पढ़ाइए, आप बच्चों को तालीम दीजिए, ऑफिस बनाइए, आरी बनाइए, आलिम बनाइए, मैट्रिक आइए, बीए, एलएलबी, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, साइंसदान, बालेश्वर पढ़ाते क्यों नहीं? मगर आपसे तो ये होगा नहीं। शादी का मौका आएगा, आप 10 कट्ठा जमीन बेच दीजिएगा। बेटे का वलीमा करना होगा, खेत बंधक रख दीजिएगा। क्यों ऐसा करते हो? कहा है तुम ऐसा करते हो? अगर तुमको खेती बेचना हो तो शादी के लिए मत बेचो, बल्कि अपने बच्चों की तालीम के लिए, नाचने के लिए, गाने के लिए, टीवी बजाने के लिए नहीं बेचो। क्या हमारा मजहब इजाजत देता है 200 लोगों को लेकर के तुम बारात जाओ? क्या हमारा इस्लाम इजाजत देता है कि डीजे बजाओ? क्या हमारा मजहब इजाजत देता है कि शादियों में पटाखा फोड़ो? मुसलमानों होश में आओ, होश में आओ। खुदा की कसम, अगर अब भी तुम नहीं समझे, नहीं समझे, तो आने वाला वक्त तुम्हारे लिए बहुत बड़े इम्तिहान। हमारी बात को संजीदगी से लो, अब लोगों को करीब करो, नफरत की बोली नहीं बोलो, मोहब्बत की बोली बोलो, अपने दोस्तों को समझाओ। तुम्हारा दोस्त अगर कोई गैर मुस्लिम है तो उसको समझाओ कि इस्लाम कैसे फैला। अच्छा शेर लिख लेने से इस्लाम नहीं फैला है, अच्छी तकरीर कर लेने से, कहने से इस्लाम नहीं फैला। मैं तो कहता हूं शायर मुकर्रर से ज्यादा अगर कोई दीन की खिदमत कर रहा है तो खुदा की कसम वो आईमय मसाजिद कर रहा है। मदरसे में बच्चा जाता कुरान पढ़ के, पहली फारसी दूसरी फारसी, मगर जिस वक्त नाक बहती है मकतब के इमाम साहब संभालते हैं। असल मेहनत इन लोगों की है, इन लोगों की मेहनत को सलाम करो। तुम अपने इमाम को इज्जत दो, तुम अपने इमाम की अहमियत को समझो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। तुम्हारा बच्चा पढ़ने के लायक हो जाए मकतब भेजो, मदरसा भेजो। अरे इमाम साहब को कहो इमाम साहब मेहनत से पढ़ाइए, और जो इमाम साहब मेहनत से नहीं पढ़ाए क्या कीजिएगा? नहीं हम नहीं कहेंगे, वरना ये लोग बोले कभी तो तारीफ करते कभी बात करते हैं। बोले बोले जो आपको समझ में आया कीजिए, आपकी मर्जी है ना। देखिए मुफ्ती साहब है ना, ये भी आ गया, तो बच्चों को पढ़ाओ। देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्चा है बहुत अच्छा बच्चा है, क्या चेहरे पे देखिए इस बच्चे के हुस्न है। टोपी पहने हुआ, दूर से लगेगा किसी मौलाना कोई मुस्लिम घराने का मुस्लिम बच्चा, मगर आज क्या होता है, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम भी गौर से सुनो, तुम जलसे में आई हो। आजकल छोटी छोटी से बात पे औरतें आपस में एक दूसरे को गालियां देती है। बोलो भाई, देती है कि नहीं देती है? तो जब इन लोग गालियां देती है तो तुम लोग क्या करते हो? उससे कह रहे हो हां देती है, देती है, इतनी हिम्मत है कि तुम्हारी बीवी गाली दे देगी? कभी गाली नहीं देती अगर उसके बाप से तुम पल्सर नहीं मांगोगे। कभी तुम्हारी बीवी गाली नहीं देगी उसके बाप से गुंडा लोग होंडा नहीं मांगेगा। मांगेगा बाप से 2 लाख रुपया तो तुम्हारी इज्जत करेगी, कहेगी चुप, फ्री में थोड़ी आए, पैसा देकर के आया।
औरतें गाली देती, मैं अपनी माओ बहनों बेटियों से कहूंगा कि सुनो अपनी जबान पे कंट्रोल करो। तुम गालियां देती हो, ये बच्चे छोटे छोटे हैं, बच्चे के जहन और दिमाग पर इसका बुरा असर पड़ता है, खराब असर पड़ता है, ये बच्चे छोटे हैं, अच्छा जहन नहीं लेंगे। जैसे मैं समझा रहा हूं, एक वाकया मैं पढ़ रहा था कि एक गरीब बच्ची, अब वो 5 मिनट के लिए 5 मिनट तो 5 मिनट अच्छी बात है, 5 मिनट जब टाइम आएगा तो हम लोग ले जाएंगे।